साथियों, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में जो चयनित अभ्यर्थी है वो जिला आवंटन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान दुखी है। मुझे ये पता है कि आस पड़ोस वाले ताने भी मारते होंगे कि आपके जिला आवंटन क्यों नहीं हो रहे, ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो रही, शायद आपका नंबर नहीं आया। मैं आपकी हर पीड़ा समझता हूं। मैं भी लगातार ट्वीट कर रहा हूं और ट्वीट कब करता हूं जब अधिकारियों से मिलता हूं और जो सूचना अधिकारी देते हैं, जो जानकारी अधिकारी देते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूं। लेकिन साथियों, कई बार आप सोचते हो कि ये वीक, ये दिन निकल गया, दूसरा दिन निकल गया, ये वीक निकल गया, समय क्यों लग रहा है। साथियों, मैं एक चीज आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा कि जो सच होगा, सच मेरा कहना, मेरा कर्तव्य है। जो पंचायत राज सेक्रेटरी नवीन जैन साहब हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की है, इस भर्ती को सुलझाने में अहम योगदान उनका रहा है। पदों की संख्या कम होना, बहुत समस्याओं से यह भर्ती गुजरी है, उलझी हुई भर्ती, उसको सुलझाया है। जिला आवंटन कल हो जाते लेकिन कुछ दो कमियां उनके सामने ही अचानक रोक दिया। साथ ही उनका यह कहना है कि हमने बड़ी मेहनत करके उलझी भर्ती को सुलझाया है, किसी कारणवश यानी कि कोई गलती हो जाएगी तो यह मामला उलझ जाएगा, कोर्ट में लोग ले जाके इस भर्ती को लटका देंगे। वो चाहते कोई गलती नहीं हो, साफ सुथरी तरीके से ये भर्ती हो, जिला आवंटन हो और समय पर आप लोगों को ज्वाइनिंग मिले। तो केवल आप लोगों के हित को देखते हुए उन्होंने थोड़ा सा समय लिया है। अब लोग पूछे जिला आवंटन कब हो गए, जिला आवंटन तो कल भी होने वाले थे, नहीं हो पाए। आज की भी पूरी संभावना बता रहे हैं, कल की भी है, परसों भी है। वो ये कह रहे हैं कि हमने आप लोगों को कहा था कि एक दो दिन में हो जाएंगे लेकिन नहीं हो पाए। हमें ये थोड़ी पता था कि अचानक दो कमियां हम पकड़ पाएंगे। कुछ कमियां उन्होंने पकड़ी, समय लग गया। लेकिन साथियों, मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा, आप लोगों ने इतने महीने इंतजार किया है, कुछ दिन और इंतजार कर लो। जिला आवंटन आज भी हो सकते हैं, कल भी हो सकते हैं, परसों भी हो सकते हैं, यानी कि इस वीक में आपके जिला आवंटन हो जाएंगे। ये अधिकारियों ने यानी पंचायती राज सेक्रेटरी साहब ने विश्वास दिलाया है।